मित्राज आई में आपका स्वागत है और मैं हूं नमेश कपूर और आज आप जानेंगे क्यों वर्ल्ड लीडर्स पैसिफिक आइलैंड नेशंस की तरफ जा रहे हैं इंक्लूडिंग आ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने दो महीने पहले पपुआ न्यू न्यूगिनिया का ट्रैवल किया और एक फिपिक की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जियो के ऊपर और अगर हम ये लोकेशन देखें तो पैसिफिक स्पेसिफिकली साउथ पैसिफिक एरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नॉर्थ पे है तो दीज आर द कंट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट द पैसेफिक आइलैंड कंट्रीज तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द क्वेश्चन लाइक एवरी टाइम कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैव एमर्ज वन ऑफ द सेंसिटिव जियो पोलिटिकल लोकेशन इन रीसेंट डिस्कस विद एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कह रहा है कैसे पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिसेंटली एक बहुत ही सेंसिटिव जियो लोकेशन बन उभरे हैं एग्जाम्पल के साथ आ, उसको उसके ऊपर डिस्कस कीजिए इस पर हम बाई द एंड ऑफ आर डिस्कशन आएंगे और आई एम प्रटी श्योर तब तक आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें पपुआ न्यू गिनिया पी एन जी भी बोलते हैं दैट इज़ वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो विजिटेड एंड यहीं सेकेंड फिपिक समिट भी हुआ था इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा फिजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है फिजी पलाऊ टोंगा टू समुआ वनुआशु माइक्रोनेशिया किरीबाटी ना द मार्शल आइलैंड्स द सोलोमन आइलैंड्स कुक आइलैंड्स एंड न्यू ये कंट्रीज कॉन्स्टि और ये करीब करीब 14 कंट्रीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं स्ट्रैटेजिकली इफ यू लुक एट द लोकेशन जैसे हमने पहले देखा वेरी इंपॉर्टेंट अब कौन कौन देश के यो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और हेड्स ऑफ द स्टेट पहुँचे इन कंट्रीज़ में सी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमने देखा वो पीएनजी गए थे और उन्होंने मीटिंग भी की और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इनफैक्ट जब भारतीय प्रधानमंत्री लैंड हुए पोर्ट मोरेस्पी जो कि कैपिटल है पीएनजी की वहाँ के पीएम पीएनजी के पीएम ने उनका पैर छूकर स्वागत किया तो और ये बहुत बड़ा जेस्चर था इस मोमेंट पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भी रिसेंटली अभी, अभी अभी उन्होंने विजिट किया है कुछ ही दिन पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हो जाए या डिफेंस सेक्रेटरी हों इंडोनेशियन प्रेसिडेंट विडोडो उन्होंने भी विजिट किया इसके अलावा कई और कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया या अदर इम्पोर्टेंट नेशंस इन द एशियन रीजन तो देखा जाए तो एक बहुत ही रीसेंट पास तीन चार महीने में बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड रीजन है जहाँ बहुत हेड्स ऑफ स्टेट और बहुत रिप्रजेंटेटिफ स्टेट्स जा रहे हैं वहाँ मिलने क्यों सबसे बड़ा सवाल है क्यों पहले हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझेंगे फिर हम इंडियन परस्पेक्टिव से समझेंगे ठीक है सबसे पहले why वर्ल्ड wants देम इन देयर कॉर्नर क्यों दुनिया चाहती है कि जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं वो उनके साथ उनका अच्छे रिलेशनशिप हो सी टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड यू एस ए चाइना और यूएसए दो बहुत बड़ी इकोनमीज़ हैं और uh, ये कंट्रीज चाहती हैं कि उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी हो इन देशों के साथ तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे मल्टीपोलारिटी की बात होती है भारत भी आज के टाइम किसी भी साइड का पक्ष नहीं लेना चाहता तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव uh, है एरिया क्रिटिकल टू सप्लाई शिपिंग चैनल्स अगर हम देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बट अगर हम देखें तो वेस्ट कोस्ट ऑफ़ यूएस और वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज को कनेक्ट करता है फ्रॉम द सर्दर्न हेमस्फेयर टू द वेस्ट कोस्ट सेकेंडली एशियन कंट्रीज़ की भी जो ट्रेड होता है मूवमेंट होती है यहाँ से होती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से ग्लोबल सप्लाइज जाती हैं आउटरीच इज़ प्रिंसिपली अबाउट डिफेंडिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट राधर देन अबाउट साइडिंग विद ईदर ऑफ ग्लोबल पावर बेसिकली जैसे इंडिया आउटरीच है अपने इंटरेस्ट को यू नो प्रोटेक्ट करने का रादर देन किसी का पक्ष लेने का तो ये सारी कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के कारण इन देशों को अप्रोच कर रही क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात करते हैं प्राइमरीली इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसकी लोकेशन इन लोकेशन अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ अगर किसी का मिलट्री uh, या कोई नेवल बेस हो तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा था राइट right. तो स्ट्रैट इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है एनी फ्यूचर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन इंडो पैसिफिक कुड मेक देम की आउटपोस्ट्स वेयर वेर नेशंस वुड वॉन्ट टू डॉक इन फ्यूल शिप्स जैसे मैंने बात की लोकेशन ऐसी स्ट्रैटेजिक है कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कंट्रीज चाहेंगी कि उनका कोई ना कोई वहाँ एसेट हो देर वास्ट ई जेड्स वो ये क्या है ई ई जेड्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हाँ तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आप जानते हैं कि टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स होता है बहुत बड़ा वास्ट एक्सपेंस है ओशन का जो इन कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और दे आर होम टू अ लॉट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जी हाँ जो दुनिया आज के टाइम पे चाह रही है हर जगह से इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एक वो दूसरा ऑयल सो so, इंडिया को भी इट्स इसीलिए इस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है व्हाट्स इन इट फॉर इंडिया इंडिया के लिए इसमें क्या है इंडिया बेसिकली चाहता है चाइना की प्रेजेंस जो बढ़ रही है अभी रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स के साथ चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट किया वहाँ की पुलिसिंग और उनकी नेवी को हेल्प करने के लिए तो इंडिया चाहता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए इस रेस में और वो काउंटर करे चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन को सेकेंडली इंडिया डायस्पोरा इन द रीजन फिजी जैसा देश जिसकी 60 से 70 परसेंट पॉपुलेशन बेसिकली इंडियन है जो आज से 100 डेढ़ सौ दो सौ साल पहले ब्रिटिशर्स उनको शुगर प्लांटेशन के लिए वहाँ लेके गए थे ऐसी और भी कंट्रीज हैं उस रीजन में तो इंडिया का डायस्पोरा है और उसको इंडिया अब चाहता है कि वो कनेक्टेड रहे और उसका वो फ्यूचर में उसका बेनिफिट ले सके राइट थर्डली क्लाइमेट चेंज इज़ अ की एरिया ऑफ फोकस फॉर इंडिया इट्स रिलेशनशिप विद द रीजन इंडिया चाहता है कि इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए उनको क्लाइमेट चेंज में हेल्प करे और पीएम मोदी ने इसी उपलक्ष्य में वन बिलियन डॉलर क्लाइमेट अडेप्टशन फंड अनाउंस किया था इस रीजन के लिए और टू लाख डॉलर और टू हंड्रेड डॉलर इन एड एनुअली टू ईच पैसिफिक नेशन देने का वादा किया था फिफ्थ ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक भारत ने एक लाख वैक्सीन को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को सप्लाई किया सेकेंडली उसके बाद इंडिया हैज़ हेल्प्ड फिजी उनकी शुगर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने में तो इससे क्लियर कट शो होता है कि भारत के इंटरेस्ट ना कि स्ट्रैटेजिक हैं बट बहुत डाइवर्स है इकोनॉमिक भी हैं और इंडिया चाहेगा इन सब चीज़ों से कि वो लीडर बने ग्लोबल साउथ का जो वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है थ्रू मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस सेकेंड uh, उसके अलावा इंडियन गैस कंपनीज जो मैंने पहले बात की थी स्पेशली ओ विदेश ने uh, एक पी एन जी ऑफ गैस प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक इंटरेस्ट शो किया है और इंडिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड सेकेंड फिपिक मीटिंग जो फिपिक की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के ऊपर जो मीटिंग है वो एक uh, uh, इसके ऊपर मीटिंग हुई so basically these are the areas of interest for india and it is very important for india to firstly have a uh, good relationship with them ensure it's uh, uh, make use of the strategic location of pacific uh, island countries and can become a leader of those countries by projecting as a uh, without you know any major interest in their uh, sovereignty or anything india can get the benefit of अ वेरी गुड सपोर्ट फ्राम दीज कंट्रीज़ इन फ्यूचर राइट अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पे पैसिफिक आइलैंड नेशन है सेंसिटिव जियो पोलिटिकल लोकेशन रीसेंट पास्ट डिस्कस विद एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स के बारे में बताया कि पी एन जी ठीक है uh, जो जो कंट्रीज हैं मेजरली सोलोमैन आइलैंड सोलोमैन आइलैंड में चाइना ने किया पी एन जी में इंडिया रिसेंटली इवन यू के साथ अभी पी uh, ने किया है uh, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और यूके की काफ़ी प्रेजेंस और इवन uh, हम uh, इसमें फ्रांस की भी क्योंकि उनका भी कई आइलैंड्स हैं इस एरिया में उनकी भी प्रेजेंस है इन एरियाज़ में तो बेसिकली आपको उन एग्जांपल्स में बात करनी है ग्लोबली परस्पेक्टिव से बताना कि जियो इंटरेस्ट्स क्या हैं और दैट वे यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स राइट so this is where we conclude uh, this uh, session and i hope the you know it was informative and for more such informative videos keep watching mitra's ies and nimish uh, kapoor will sign off for now thank you so much